तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स हाइड्रेशन के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, टाइट्रेशन के बारे में तो आप सभी को पता चल ही चुका है अब तक, ठीक है, कि टाइट्रेशन में हमारा पास एनालाइट होता है, ठीक है, टाइट्रेंट होता है। टाइट्रेंट की हेल्प से हम लोग एनालाइट के बारे में पता लगाते हैं। अब यहाँ पर रिडॉक्स टाइट्रेशन का क्या मतलब है? रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब है कि जो हमारी टाइट्रेशन है, ठीक है, तो जो हमारा एनालाइट है और जो हमारा टाइट्रेंट है उनके बीच में होगी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग इसका यहाँ पे थोड़ी पोर्शन थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि रिडॉक्स टाइट्रेशन आर दोज टाइट्रेशन दैट आर बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन आखिर होती क्या है? तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, इसको भी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो अब इन सबको समझने के लिए हमें समझना होगा अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। अब आप लोग यहाँ पे जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन को हम लोग यहाँ पे तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमारा, अगर मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इन तीनों तरीकों को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जो हमारा पहला दूसरा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा ओल्ड कंसेप्ट है, ठीक है। यानी पहले हमारी ऑक्सीडेशन को हम लोग इसी तरह पहचानते थे। आज के दिन की बात करें तो हमारा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है और इसी पे हमारा आज के दिन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और यही हमारा जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होने वाला है, ठीक है। यानी आप लोग बस ये वाला कंसेप्ट पढ़ के चलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो, मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, हम लोग समझते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन हम लोग यहाँ पे मेन वाला कंसेप्ट समझेंगे अपना, ठीक है। ऑक्सीडेशन सिंपली समझना, ऑक्सीडेशन मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यही हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास कोई एटम है, एक्स हमारा कोई भी एटम है, ठीक है, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि मान लो हमारा एक्स है और उसमें से अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, तो हमारा जो एक्स है ना उसके ऊपर आ जाता है एक प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आखिर आया क्यों, ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा रिडक्शन भी समझना होगा। अब रिडक्शन की बात करें, ठीक है, दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ है नहीं, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो हमारा यहाँ पे y कोई एटम है, ठीक है, y, और अगर यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जुड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा एक माइनस चार्ज। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों आया, ठीक है, जो इसके पीछे मेन रीजन है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा ऐसे समझते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। जैसे मान लो एक्स हमारा कोई पर्सन है और वाई हमारा कोई दूसरा पर्सन है। अब अगर मान लो एक्स के पास जो है बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और वाई को यहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, तो अगर x यहाँ पे y को मान लेते हैं हम लोग जो है, इसने कितना मान लें, चलो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए, 1 लाख चलो ज़्यादा हो गया, 1000, 1000 रुपये यहाँ पे x ने y को उधार दिए, ठीक है, 1000। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, x ने क्या किया, x है हमारा डोनर, ठीक है, इसने दिया है, और y हमारा क्या है, एक्सेप्टर, ठीक है। यानी x ने 1000 रुपये दिए, y ने 1000 रुपये लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने किसी को 1000 रुपये दिए, ठीक है, तो आप क्या है कि आपके पास तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब वाई ने अगर 1000 रुपये लिए ना, तो इसको जो है थोड़ी सी टेंशन हो गई कि हाँ मुझे 1000 रुपये लौटाने हैं। वैसे तो आजकल वापस ही नहीं करते लोग, ठीक है, हाँ, तो वाई को 1000 रुपये लौटाने हैं, तो इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा सा माइनस में चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा एक्स है, तो उसने क्या किया, इसने 1000 रुपये दिए, तो इसको क्या होगा ना, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। यानी कि ये समझ लो थोड़ा सा दादा बन के घूम रहा है, ठीक है, कि मैंने 1000 रुपये दिए हैं, ठीक है, और वाई हमारा क्या है, इसने 1000 रुपये लिए, तो ये थोड़ा सा दबके रह गया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया और इसके ऊपर प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो ये समझने के लिए ठीक था, एक्चुअल में इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये होता है कि अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा कोई भी एटम हो, ठीक है, ए टू जेड कोई भी, मान लेते हैं हमारा एक्स ही मान लेते हैं,
तो इसके पास ना जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी इसके ऊपर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 10 यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, यानी सिंपली बात करें तो 10 माइनस चार्ज है तो 10 प्लस चार्ज होंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये 10 माइनस और 10 प्लस मिलके आपस में न्यूट्रलाइज रहते हैं और इसके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ कि जैसे हमारा एक्स है, ठीक है, अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 माइनस चार्ज है और 10 प्लस चार्ज है, अब अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यानी एक यहाँ पे माइनस चार्ज इसके पास जो है, एक माइनस इसके पास कम हो गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये अब इसके पास 9 माइनस चार्ज बचा और 10 यहाँ पे प्लस चार्ज बचा, ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो ये एक प्लस चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर यहाँ पे एक प्लस चार्ज जो है आ जाता है। अब अगर मान लो इसके पास पहले से ही एक प्लस चार्ज हो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और अगर मान लो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे मान लो 3 कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है, कि एक इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, अगर इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और अगर मान लो इसके पास पहले से ही कोई प्लस चार्ज है और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और अगर मान लो इसके पास कोई माइनस चार्ज है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका ये माइनस चार्ज हट जाएगा, ठीक है, यानी ये जो है चार्जलेस हो जाएगा। अब माइनस चार्ज हटेगा क्यों, मान लेते हैं अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास जो है प्लस वाले चार्ज थोड़े कम है और माइनस वाला थोड़ा ज़्यादा है, एक नंबर ज़्यादा है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो माइनस चार्ज खत्म, तो अब इसके पास कितना है, 10 प्लस और 10 माइनस यानी बराबर हो गया, तो इसके ऊपर से जो माइनस चार्ज है वो हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑक्सीडेशन के अंदर नॉर्मली देखने को मिलती हैं। देखो मैंने आप लोग को एक ऊपर से चीज़ें बताई हैं जितना आप लोग के सिलेबस में आप लोग को समझना है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोग देखते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों ओल्ड कंसेप्ट है, ये वाला हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें, देखो एग्जांपल में आप लोग को तीनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन वाले केस की बात करें तो यहाँ पे देखो SO2 प्लस O इज इक्वल टू क्या हो गया, SO3, यानी कि इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन को जो है गेन कर लिया, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, और हमारा SO3 में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर हाइड्रोजन के टर्म्स की बात करें तो हाइड्रोजन में देखो क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो H2S प्लस Cl2, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे सल्फर से हाइड्रोजन का लॉस हो गया, ठीक है, और यहाँ जाके जुड़ गया, तो यहाँ पे देखो इस वाले को देखो तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स की बात करें जो कि हमारा मेन है, तो यहाँ पे आप लोग देखो जो हमारा सोडियम है, ठीक है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। अब यहाँ पे देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे किस में लॉस हो रहा है किस में गेन हो रहा है, तो इसको आप लोग यहाँ इस तरीके से याद कर सकते हो, ऑक्सीडेशन कैन बी रिमेंबर्ड बाय लियो, ठीक है। अब देखो लियो में थोड़ा ओई को आप लोग इतना ध्यान मत देना, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये ई बीच में आ गया बट आप लोग समझ सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो, ठीक है, और वहाँ पे रिडक्शन में क्या हो जाएगा, जियो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोग उसको भी देख रहे हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रिडक्शन की, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज, अब वहाँ पे देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये दोनों आप लोग ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग समझो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी रिडक्शन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को ये जो है गेन करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो अगर ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो यहाँ पे देखो CuO प्लस 2H, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि देखो Cu के पास से हमारा एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हमारे H2 के पास चला गया, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे देखो C2H2 प्लस 2H इज इक्वल टू C2H4, यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ गए, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे हमारा जो क्लोरीन है, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके पास क्या जाता है, माइनस चार्ज। और मैंने आप लोग को बताया स्टार्टिंग में कि जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा, देखो इसको बिल्कुल नॉर्मली याद कर लो, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में होगा हमारा एक प्लस चार्ज ऐड हो जाएगा, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी है, ठीक है, जैसे एक्स हमारा एटम है तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और अगर रिडक्शन है तो क्या होगा, रिडक्शन में ये होगा कि हमारा इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, समझ गए। अगर पहले से माइनस है तो बढ़ जाएगा और अगर पहले से प्लस है तो वो यहाँ पे घट जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे रिडक्शन को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, रिडक्शन कैन बी रिमेम्बर्ड बाय जियो, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, लियो, और रिडक्शन को कैसे याद रख सकते हैं, जियो, लियो जियो, लियो जियो, याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे यहाँ पे, इसको आप लोग थ्योरी ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन के नाम से भी समझ सकते हो, ठीक है, इसमें भी आप लोग को यही कंसेप्ट लिखना है। अब यहाँ पे इन रिडॉक्स रिएक्शन वन सब्सटेंस लूजेज और गिव्स अप द इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब्सटेंस रिसीव द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो हमारी वैसे जितनी भी रिएक्शन होती है अगर उसमें ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होता है। जैसे कि इसको बिल्कुल ऐसे ही समझो, अगर एक्स मान लो बहुत अमीर है और बहुत पैसा इसके पास, और अगर उधार देने की सोच रहा है, मान लो ये 1000 रुपये दे रहा है, बहुत दे रहा है, लेकिन अगर इससे कोई 1000 रुपये लेने वाला ही ना हो तो ये किसको देगा। यानी बात करें तो अगर ये 1000 रुपये 1000 रुपीज़ अगर ये दे रहा है तो इसके पास लेने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन अगर किसी सब्सटेंस का हो रहा है तो इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो इलेक्ट्रॉन जितना भी है लॉस होगा। तो लॉस होगा तो भाई इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला भी कोई होना चाहिए ना। तो यहाँ पे वाई के अंदर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अब यहाँ पे देखो, द फर्स्ट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अदर इज रिड्यूस, ठीक है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इस एग्जांपल से आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। देखो Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, Zn 2 प्लस प्लस Cu। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारा जिंक है, ठीक है, जिंक के पास अभी यहाँ पे कोई भी मतलब चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2+, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो हमारा Cu है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, और जब इसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ, इसके ऊपर से यहाँ पे 2+ चार्ज हट गए। यहाँ पे देखो सिंपली हुआ क्या है, Zn ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और यहाँ पे Cu ने क्या किया, उन दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया और Zn यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा देखो, यहाँ पे जो हमारा Cu है, ठीक है, तो अगर इसका रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे 2+ चार्ज गायब कैसे हो गए। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि देखो जैसे Cu 2+ है तो मैंने क्या बताया, रिडक्शन में गेन, मतलब यहाँ पे जब रिडक्शन होगा तो माइनस चार्ज आएगा, लेकिन अगर पहले से ही कोई प्लस चार्ज है तो क्या होगा। यहाँ पे मान लो अगर इसके पास पहले से 2+ चार्ज है, अब अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो माइनस और दो प्लस मिलके यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो Cu में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मान लो इसके पास कोई प्लस चार्ज नहीं होता और तब अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो क्या होता, इसके ऊपर 2- चार्ज आ जाता। हालांकि Cu के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ गए होगे। देखो मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट कॉपी पेन लेके अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिवाइंड करके देखो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, अब ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंस विच डू ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं लेकिन खुद यहाँ पे क्या होते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, यानी इनका खुद का रिडक्शन होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। यानी वी कैन सिंपली से द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो फंडा बिल्कुल उल्टा हो गया, हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा उल्टा वाला फॉर्मूला लगाना है। ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट ये है कि जिसका यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ पे होगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जिनका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा तो वो हो जाएंगे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस यहाँ पे आप लोग को उल्टा वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो जिनका यहाँ पे देखो यही चीज़ तो लिखी हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज विच डू ऑक्सीडेशन, यानी कि वी कैन सिंपली से विच गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज सब्सटेंस विच डू रिडक्शन ऑफ अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। वी कैन सिंपली से
द सब्सटेंस विच लूजेज और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल उल्टा हुआ जा रहा है, ठीक है। देखो मैं आप लोग को उसी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो हमारा जिंक है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। यानी इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों का रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये जो जिंक है ना, ये हमारे कॉपर का रिडक्शन करा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे ये क्या करा है, ये हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन करा रहा है। देखो नाम से पता चल सकते हो ना, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन कराने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेशन कराने वाला। लेकिन जो खुद ऑक्सीडेशन कराएगा वो खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा, और जो रिडक्शन कराएगा वो क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कुछ है नहीं यार, देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब रिडॉक्स इंडिकेटर्स की बात करें, ठीक है, तो इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन आर नोन एज रिडॉक्स इंडिकेटर्स, ठीक है। यानी जिन इंडिकेटर्स को हम लोग अपने रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर, ठीक है। इनको हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। दे आर द सब्सटेंस दैट सोज विजिबल कलर चेंज एट द एंड पॉइंट ऑफ रिडॉक्स हाइड्रेशन, आप सभी को पता है, ठीक है। दे सोज डिफरेंट कलर्स इन देयर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म। अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट नोटिस करने वाला है कि जो हमारा रिडॉक्स इंडिकेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ना दो फॉर्म होती है, एक होती है उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म, एक होती है उसकी रिड्यूस फॉर्म। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में उसका अलग कलर होता है और रिड्यूस फॉर्म में उसका अलग कलर होता है, और इसी तरीके से ये यहाँ पे कलर चेंज करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर्स की, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है, दूसरा हो गया एक्सटर्नल इंडिकेटर, और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे इंटरनल इंडिकेटर। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेल्फ इंडिकेटर की, तो देखो जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग अलग से इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे जो हमारा टाइट्रेंट होता है वही यहाँ पे इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब यहाँ पे देखो आप लोग समझो होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि जैसे ये हमारा यहाँ पे ये हमारा टाइट्रेंट हो गया, ठीक है। देखो यार है तो टाइट्रेशन ही ना, बस यहाँ पे देखो जैसा इसका जो आगे नाम लिखा रहता है, जैसे रिडॉक्स हो गया तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हो गया तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस हो गया तो एसिड बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, बस वही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सेल्फ इंडिकेटर में क्या होता है, इसमें हम लोग इंडिकेटर अलग से यूज नहीं करते, बल्कि ये जो हमारा टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट, ठीक है, यही यहाँ पे इंडिकेटर की तरह काम करता है। यानी ये करता क्या है, एट लास्ट में आके जो है जब एंड पॉइंट आने वाला होता है तो कलर चेंज कर देता है। अब कलर चेंज कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पे जो इसका फेमस एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि सेल्फ इंडिकेटर्स आर इन्वॉल्व इन द टाइट्रेशन एज टाइट्रेंट, ठीक है, एंड एट द एंड पॉइंट दे देमसेल्फ्स चेंज कलर एंड इंडिकेटिंग द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो देखो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है कि KMnO4 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ इंडिकेटर, एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इट शोज पिंक कलर। अब यहाँ पे देखो जो हमारा KMnO4 होता है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, अगर हम लोग इसको यहाँ पे टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं तो इसका एक्चुअल कलर होता है यहाँ पे थोड़ा सा वॉयलेट कलर का, ठीक है, वॉयलेट। तो जब हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, जैसे हम लोग टाइट्रेशन करा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एनालाइट है कुछ, तो यहाँ पे एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में, यानी कि ये हमारा KMnO4 के बीच में जब रिएक्शन होती है, तो जब तक टाइट्रेशन चलती है तब तक क्या होता है कि ये जैसे जैसे इसमें गिरता जाता है तो यहाँ पे अभी कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, यानी इसका वॉयलेट कलर भी डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ये इसके साथ रिएक्शन करके कलरलेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट आने वाला होता है, ठीक है, जैसे एंड पॉइंट आने वाला होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा KMnO4 है, ठीक है, और जो हमारा एनालाइट है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो जैसे ही उसके बाद एक बूंद एक्स्ट्रा गिरती है इसकी, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे पिंक कलर शो करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेल्फ इंडिकेटर वर्क करता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिकेटर की, ठीक है, तो देखो जैसा इसका नाम बता रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में हम लोग इंडिकेटर लेते तो हैं, जैसे हम लोगों ने कोई इंडिकेटर लिया तो, लेकिन हम लोग उसको ना इसके अंदर ऐड नहीं करते हैं। जनरली क्या करते हैं, इंडिकेटर को हम लोग इसी के अंदर डाल देते हैं अपने एनालाइट में, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर को एनालाइट के अंदर नहीं डालते हैं, हम लोग इसको बाहर ही रखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग करते क्या है, जो हमारा यहाँ पे एनालाइट का सोल्यूशन होता है ना, जब हमारी टाइट्रेशन चल रही होती है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप वाइज निकाल के इसके अंदर डाल डाल के फ्रिक्वेंटली चेक किया करते हैं कि कब हमारा कलर चेंज हो रहा है, और जिस पॉइंट पे हमारा कलर चेंज हो जाता है वो हमारा एंड पॉइंट हो जाता है। अब वैसे ये काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा मतलब यूज नहीं की जाती, यानी हमारे एक्सटर्नल इंडिकेटर बहुत कम ही हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इंटरनल इंडिकेटर्स की, ठीक है, तो यही होते हैं हमारे एक्चुअल रिडॉक्स इंडिकेटर्स, यानी कि जो हमारी रिडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर इस वाले इंडिकेटर का यूज करते हैं,
दीज आर द इंडिकेटर्स विच हैव डिफरेंट कलर्स इन देयर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म। यानी कि यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग कलर होती है और रिडक्शन स्टेट में अलग, यानी कि रिड्यूस फॉर्म में अलग, ठीक है। दे आर एडेड इन द एनालाइट सोल्यूशन एंड सोच विजिबल कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे अपने एनालाइट सोल्यूशन में डालते हैं और एंड पॉइंट आने पर ये अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है। इंटरनल इंडिकेटर्स आर जनरली कलरलेस इन रिड्यूस फॉर्म। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनल इंडिकेटर की ऑक्सीडाइज फॉर्म में अलग कलर, रिड्यूस फॉर्म में अलग कलर। तो रिड्यूस फॉर्म में ना ये ज़्यादातर ये कलरलेस रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ अपने कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स की बात करें तो जैसे हमारा फेरोइन हो गया, तो इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म में कलर होता है पेल ब्लू, ठीक है, और रिड्यूस फॉर्म में क्या होता है रेड। यानी देखो हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादातर कलर यहाँ पे ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू 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 ब्लू। और यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में क्या होता है कलरलेस, ठीक है, बस यहाँ पे फेरोइन और नाइट्रोफेरोइन को छोड़ दें। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द टाइट्रेंट यूज, यानी कि टाइट्रेंट हमारा यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है, उसी बेस पे हम लोग अपनी रिडॉक्स टाइट्रेशन को फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हो गया हमारा यहाँ पे सेरीमेट्री, ठीक है, तो इसमें हमारा यहाँ पे जो हमारा टाइट्रेंट होता है, ठीक है, वो हमारे सेरिक आयंस होते हैं, ठीक है। आयोडीमेट्री, तो इसमें हमारा आयोडीन होता है, और आयोडोमेट्री, इसमें भी हमारा आयोडीन ही होता है, ठीक है, बस वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और फिर ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, और फिर टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट। तो इस तरीके से हम लोग अपने रिडॉक्स टाइट्रेशन को यहाँ पे लगभग 5-6 अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बट आपके सिलेबस में आप लोग को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पे देखो हम लोग चूंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम लोग यहाँ पे अपने आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री को ही कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इस पे होगी, उसके बाद हमारी रिडॉक्स टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।